Hello everyone, good morning all of you. I am Naresh Pohal, PGT Mathematics. Today's topic, linear equation in two variable. नाइन्थ क्लास के सिलेबस में हमारे थ्री चैप्टर कंप्लीट हो गए. फर्स्ट थ्री हमने किए हैं अभी तक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब फोर्थ चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नेम है और इस नेम को आप अच्छे से समझे. लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलीनोमियल आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर के अंदर. तो यहाँ लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री वन हो, यानी यहाँ पे कहीं भी x और y का स्केयर नहीं आएगा. डिग्री वन होगी वहां पे, टू या थ्री पावर्स नहीं आएगी. लीनियर इक्वेशन का मीनिंग लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री वन हो. इन टू वेरिएबल, वो टू वेरिएबल में होगी. जैसे यहाँ पे x और y दो वेरिएबल रहेंगे, तो दो वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन यहाँ पे होगी. ये चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इसकी वो आपने याद रखनी है. स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल जीरो. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन यू आर राइट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो. ए यहाँ पे एक्स का कॉफिशियंट है, बी यहाँ पे वाई का कॉफिशियंट है और सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है. आपने याद रखना अच्छी सी, बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है. फर्स्ट एक्सरसाइज के दो ही सम है. फर्स्ट सम है वो देखिए स्टेटमेंट में हमें दे रखा है और हमें उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. लैंग्वेज वाली सिचुएशन है, उसको हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है. फर्स्ट सम के अंदर जो स्टेटमेंट दे रखी है वो आप रीड कर लेंगे एनसीईआरटी बुक के अंदर. वहां एक नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन की प्राइस से डबल है, टू टाइम्स है वो. तो हमें इस सिचुएशन को एक लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है. हमें दे रखा है कि नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन की प्राइस से डबल है, ट्वाइस है वो. तो लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स रुपीज. मान लिया हमने कि जो कॉस्ट इसकी है वो एक्स रुपीज है, मान लिया हमने नोटबुक की. और कॉस्ट ऑफ जो पेन है वो वाई रुपीज मान लिया हमने. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है किससे, पेन की कॉस्ट से. तो ये ट्वाइस है तो हमें इक्वल करना है, हमें इक्वेशन बनानी है. तो ये डबल है पहले ही, तो इक्वल कब होगा, जब इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. तो एक्स इक्वल टू वाई ये हमारी इक्वेशन बनेगी. ये प्लस का टू वाई इधर आके माइनस का हो गया इक्वल जीरो. ये हमारी इक्वेशन बनेगी स्टैंडर्ड. इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये चीज बनेगी हमारी. एक्स का कॉफिशियंट ए होता है, यहाँ एक्स का कॉफिशियंट वन है. वाई का कॉफिशियंट बी होता है, यहाँ वाई का कॉफिशियंट माइनस टू है. और सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है. सी वो टर्म होती है, कॉन्स्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ एक्स वाई नहीं होता, चेंज ना हो इसमें. तो सी यहाँ पे नहीं है, मतलब जीरो है. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. फर्स्ट जो सम हमारा है वो उसका ये आंसर है. समझ गए होंगे आप, बिल्कुल इजी सा. स्टैंड जो सेकंड सम है वो तो बहुत ही इजी है. उसके काफी सारे पार्ट हमें दे रखे हैं, यहाँ एट पार्ट दे रखे हैं हमें. तो उनके अंदर क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लीनियर इक्वेशन में राइट करना है हमें. पहले तो सभी को ऐसे लिखना है और फिर एबीसी की वैल्यू लिखनी है. तो देखिए पहला ही सम हम कर रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये है. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब तीनों के तीनों टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इक्वल में जीरो रखें. तो ये पॉजिटिव था, इधर आकर के नेगेटिव हो गया. ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई. अब यहाँ कंपेयर कर लीजिए, जो एक्स का कॉफिशियंट होगा वो ए होगा, जो वाई का कॉफिशियंट होगा वो बी की वैल्यू होगी, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी विद साइन वो सी की वैल्यू होगी. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये राइट हो गया हमारा और ए बी सी की वैल्यू ये कर दी. बहुत इजी सम है. सेकेंड पार्ट देख लीजिए इसका, ये दे रखिए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है. तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है क्योंकि तीनों के तीनों टर्म इस साइड है. अब हमें एबीसी लिखना है इसके अंदर. तो ए है वो यहाँ पे वन है, एक्स का कॉफिशियंट यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स वन होता है वो. और वाई का जो कॉफिशियंट है वो माइनस वन बाय फाइव है यहाँ पे. और सी जो है कॉन्स्टेंट टर्म वो माइनस टेन है. तो इस तरह से बाकी सभी पार्ट आपने लिख लेने हैं. इसका जो लास्ट पार्ट है वो फाइव इक्वल टू एक्स लिख रखा है. तो इस प्लस का टू एक्स इधर आके माइनस का हो गया और फाइव पॉजिटिव है, इट इज इक्वल जीरो. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है. और इसमें अब ए की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, एक्स का कॉफिशियंट माइनस टू है, बी की वैल्यू वाई की टर्म यहाँ है ही नहीं, इट मीन्स वाई की वैल्यू यहाँ जीरो है और कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ फाइव है. तो ए बी सी ये फाइव कर दिया. बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थ्योरी भी आपने पढ़नी है. स्टैंडर्ड जो फॉर्म दे रखी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बहुत ही अच्छे से याद रखनी है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है. आज फोर्थ चैप्टर है.
तीन चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने पीछे वाले चैप्टरों की भी अच्छे से रिवीजन करते रहना है। सभी चैप्टरों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सभी चैप्टरों की जो समरी दे रखी है हर चैप्टर के पीछे, वो आपने सभी ने अच्छे से सभी उसके जो पॉइंट है वो लर्न करने हैं, राइट करके भी देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।